नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों 1% लोग सफल होते हैं। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, आखिर पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आज मैं 100 बंदों से कहूँ कि कल से रोज़ सुबह 7 बजे उठना है और वो 100 बंदे अभी मान जाएं, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे। परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। तीसरे दिन क्या होगा? 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। और चौथे दिन 10 लोग, पांचवे दिन 5 उठेंगे, छठे दिन 2 उठेंगे। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है, चाहे उसको IAS बनना है, उसको एक सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, आर्मी ज्वाइन करना है या फिर डॉक्टर बनना है, उसे जो भी करना है, वो बंदा हार नहीं मानेगा। वह बंदा उस हार मानने वाले लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है। जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया के 1% एक्सेप्शनल लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं, ना सेम उसी टारगेट को वो एक बंदा हासिल कर लेता है, जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया हो। 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना ज़रूर चाहिए। और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में 1 होते हैं, करोड़ों में 1 होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत है ना वो उस लिस्ट में होती है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत छोड़ने की हिम्मत ना करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को गले कभी मत लगाना। अगर आपको दुनिया में 1% के लोगों में आना है, तो उस माइंडसेट से बाहर निकलना ज़रूर पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वे 99% यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहती हूँ फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। जो पत्थर नदी में गिरता है ना, वो 1 महीने में चिकना होता है, कई साल लगते हैं, लेकिन आप तो इंसान हो। इंसान में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती है जिस दिन वो उस हार मानने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है। इस कहानी का और जो मैंने आपको बातें बताई, एक उद्देश्य है, हारना नहीं है। हारा हुआ इंसान मरे हुए इंसान के समान होता है। दोस्तों, हम हर चीज़ पाना चाहते हैं, कुछ बनना भी चाहते हैं, थक जाते हैं,
कितनी बार कोशिश करें, कब तक करें, किस्मत को कोसते हैं। किस्मत उनकी भी चमकती है जो किस्मत पर भरोसा नहीं करते। खुद पे करो भरोसा, खुद पर यकीन रखो, सफलता तो मिलनी ही है। सफल इंसान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है। हिम्मत कभी ना हारना, लड़ो जितनी लड़ाई करनी है, हासिल करके रहो जो चीज आपने ख्वाहिशें बुन रखी है। दोस्तों, मेरी छोटी सी सीधी सी बात अगर आपको समझ आई है और आप ऐसी ही मोटिवेशनल चीज़ें सुनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कथाओं को तुरंत लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल धार्मिक कहानियाँ आपके समक्ष इस चैनल द्वारा प्रस्तुत करती रहूँगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं।